चक्रवात बिपरजॉय इस साल आने वाले तेज और भयानक तूफानों में से एक है, जिसकी आमद के साथ लोग भीषण तबाही का अंदाजा लगा रहे हैं। बिपरजॉय अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। वीडियो देखकर हर कोई डर जाता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चक्रवात ने समुद्र को उफान पर पहुंचा दिया है। समुद्र की लहरों का भयावह रूप देखकर लोग भागने लगते हैं। तब तक लहर उन सबको अपनी जद में ले लेती है। वीडियो बना रहा शख्स भी इस लहर की जद में आ जाता है और वो रेत पर गिर जाता है। ये खौफनाक वीडियो महाराष्ट्र के गणपति पुले का बताया जा रहा है। ऐसे कई खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे खतरनाक लहरों के प्रभाव की वजह बिपरजॉय बताया जा रहा है। आईएमडी की माने तो बिपरजॉय भारी तबाही मचा सकता है। इसका खौफ इतना है कि वो अभी पोरबंदर से करीब 320 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन समुद्र में इसका असर तेजी से दिखने लगा है। समुद्र में अभी से ही ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। इन लहरों को देखकर हर कोई सहम उठेगा। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। समुद्र किनारे वाले क्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे के गांवों को खाली कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है। हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल खुद इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों और राहत दल को उन्होंने अलर्ट रहने को कहा है। वहीं पश्चिमी रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्र में एहतियात के तौर पर 67 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पश्चिमी रेलवे द्वारा कई और सावधानियां बरती जा रही हैं। तटीय क्षेत्र से सटे इलाकों की जर्जर इमारतों को तोड़ दिया गया है। एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के कई बीचों को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मछुआरों और नाविकों को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। गुजरात के कच्छ जिले में सोमवार को तटीय गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में चक्रवात का गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। आईएमडी की ओर से कहा गया है, तूफान के रौद्र रूप को देखते हुए राज्य सरकारों को कड़ी निगरानी रखने, नियमित रूप से अपने क्षेत्र की स्थिति पर निगरानी और उचित उपाय करने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी को इस पर पैनी नजर रखने को कहा गया है।